अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी ताज़ातरीन वीडियोस मिल सकें। और ख़ास तौर पे फीडबैक अपना देते रहिए, बड़ा अहम है हमारे लिए आपका फीडबैक। मैं तमाम कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, कुछ कॉमेंट्स पर मैं रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है सब पे नहीं कर सकता टाइम की कमी की वजह से, लेकिन पढ़ता काफ़ी हद तक मैं आप सबके कॉमेंट्स हूँ। एक बड़ा अहम टॉपिक जिसके ऊपर आज बात करना चाहूँगा वो है पेशावर में PDM का जलसा, और इस जलसे के सिलसिले में एक क्रिटिसिज्म या इस पे बहस और तकरार का सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद से ही शुरू हो गया। अच्छा, इसकी टाइमिंग बड़ी हैरानकुन है कि ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद ही ये बहस क्यों शुरू हुई। अब इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस तक ये कहा गया कि जनाब बीमारी बहुत फैल रही है पाकिस्तान के अंदर, और इस सिलसिले में जो हलाकतें हैं अफसोसनाक तौर पे उसकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन इसका जो एक जिसे कहते हैं ना शोर गुल, वो सही तरह शुरू हुआ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद। अब तक की सूरत हाल क्या है वो ये है कि मेरे कप्तान ने आज इस सिलसिले में ट्वीट भी किया, और ट्वीट करने के हवाले से उन्होंने कहा कि इस बीमारी की वजह से अगर कुछ भी होता है इसकी तमाम तर जिम्मेदारी PDM के ऊपर आएगी, क्योंकि वो लोगों को अपने जलसे के अंदर इनवाइट कर रही है। इसके साथ साथ दो चार चीज़ें जो और उन्होंने कहीं, मैं ज़रा वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब सेकेंड वेव अब शुरू हो चुकी है, और हमारे मुताबिक पेशावर के अंदर ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि पेशावर में वेंटिलेटर्स के ऊपर पिछले 15 दिन के अंदर जो मरीजों की तादाद है उसमें 200% इजाफा हुआ है, ये उन्होंने फरमाया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये जलसे नहीं होने चाहिए, और लेकिन PDM जो है यानी कि पूरी अपोजिशन जो है वो इस तहरीक को आगे चलाना चाहती है, उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो NRO हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनाब आप बेशक मिलियंस जलसे करवा लें लेकिन आप लोगों को NRO नहीं मिलेगा, वही बार बार जो वो पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अपने इस NRO की खातिर ये लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहे हैं, और मुल्क की मईशत जो बेहतर होना शुरू हो गई है उसको भी ये लोग ख़राब करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमें शायद आगे जाके लॉकडाउन करने पड़ जाएँ और उसका असर जो है वो हमारी मईशत के ऊपर होगा। अब बहस और तकरार का ये जो सिलसिला है इसके अंदर एक जो पॉइंट बीच में आता है वो ये है कि इस बीमारी के फैलने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। जारी बात है हुकूमत कहती है अपोजिशन के ऊपर है, अपोजिशन कहती है हुकूमत के ऊपर है, मेरी इसके ऊपर क्या पोजीशन है मैं ज़रा वो आपके साथ वादे करता चलूं। सबसे पहले ज़रा एक ये दो मुख्तलिफ सेगमेंट हैं, सबसे पहले आइए ज़रा कप्तान के हवाले से बात करते हैं। अब कप्तान ने अब तक कोरोना को जिस तरह डील किया है, कप्तान कभी भी एक मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नहीं थे, कप्तान हमेशा चाहते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, WHO ये कहती रही कि जनाब पूरा लॉकडाउन होना चाहिए, बहरहाल कप्तान ने सिलसिले में नहीं माने। अल्लाह का शुक्र है कि नंबर्स नीचे आना शुरू हुए, कप्तान की हुकूमत ने इसका क्रेडिट लेना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। साथ साथ ये भी कहा गया कि जनाब पाकिस्तान को जो है वो पूरी आलमी दुनिया में सराहा जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने इस बीमारी का मुकाबला किया, बिल्कुल ठीक है और ये होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद तब से लेकर अब तक क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि एक सेकेंड वेव का दोबारा आगाज़ हो चुका है। अब तक के जो स्टैट्स मेरे पास आए हैं कल तक की तारीख में, कल सिर्फ एक दिन में 2665 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 59 अफराद इस बीमारी की वजह से इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। टोटल इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं मरीजों की तादाद 36,683 हो चुकी है। पेशावर के अंदर ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, वहां पे इस वक्त जो केसेस की तादाद है वो है 4,836, पंजाब के अंदर 13,865 और सिंध में 11,537। सिंध और पंजाब में मैं क्यों बात कर रहा हूं उसकी वजह मैं आगे चल के आपको खास तौर पे बताता हूं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मैंने आपको वीलॉग के शुरू में बात कही थी कि गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा अहम ताल्लुक है इस सारे मामले के साथ। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के सिलसिले में मेरे कप्तान के खिलाड़ियों ने अली अमीन घंडापुर, मुराद सईद, इन सब ने जाके वहाँ पे कैंपेनिंग भी की और जमकर की, और उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि जनाब आप लोग एक जगह ये खुद कह रहे हैं कि ये बीमारी फैल रही है, लेकिन आपके जलसों से, बल्कि सिर्फ आपके नहीं सबके जलसों से
ये लग नहीं रहा कि आपको इस बात की कोई परवाह है और इसने इसी तरह ही ये सिलसिले इसी तरह ही आगे चलते रहे। इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, कप्तान को एक बर्तरी हासिल होती है और वो अब इस पोजीशन में लग भी रहा है कि जिस तरह उनके पास आज़ाद उम्मीदवार भी जा चुके हैं तो लगता यही है कि अगली हुकूमत जो है वो ही बनाएंगे वहाँ पर। अब अगला राउंड जो आता है वो आता है पीडीएम के जलसों का, जो कि पेशावर में भी होने हैं, मुल्तान में भी होने हैं और लाहौर में भी होना है। लाहौर का एक कहा जा रहा है कि ग्रैंड शो है। इन्होंने अपोजिशन को इजाज़त नहीं दी कि वो जलसा मुनक़द करें, लेकिन अपोजिशन फिर भी जलसा करने जा रही है। क्या कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी आती है? हाँ, कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी आती है। वो किस तरह आती है कि अगर आपने पहले ये सब कुछ ना किया होता, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो कैंपेनिंग उस तरह ना की होती और आपने नहीं सबने ना की होती, तो फिर आप हक बजानेब होते कि आप भी ऑपोजिशन को ये कह सकते। अब हुआ क्या है, मुझे इसमें मेरी अपनी राय के मुताबिक इसमें कोई जवाब नहीं है कि ये जलसे मुनक़द किए जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए जानते हुए कि ये बीमारी फैल रही है। और मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि ये असेंबलियां नहीं होनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि कप्तान ने भी तब तक टिका के जलसे करवाए जब तक उनका अपना मकसद पूरा नहीं हो गया। वो थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस। जब वो मकसद पूरा हो गया और अब आगे कहानी सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों की थी, तो वहां पे आके अब वो उसको ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पास जवाब बचता नहीं है कि आप ऑपोजिशन को इस सिलसिले में मना करें, एक बात। दूसरी बात, अब आ जाए जरा ऑपोजिशन की जाने। अच्छा, ऑपोजिशन जो है वो तो जाहिर बात है क्योंकि उनकी एक तहरीक शुरू हुई है तो उन्होंने तो मानना नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगु सुन के, शाहिद खान अब्बासी की गुफ्तगु सुन के, नून लीग के और लोग भी जो टॉक शोज के अंदर आए, उन्होंने आके कहा कि जनाब जलसों से बीमारी थोड़ी फैलती है, ये वबा थोड़ी फैलती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा मतलब है ये किस किस्म की आपका माइंडसेट है जो आप इस किस्म की बात करते हैं? या आप भी जानते हैं कि जहां लोग इकट्ठे होंगे ये बीमारी उतनी ही फैलेगी, और जलसों के अंदर तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि आप इस चीज को रोक सकें। अच्छा, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बैठ के अपने फेस मास्क भी बनाए, आप ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि जिसके अंदर वोट को इज्जत दो लिखा हुआ है और ये सब कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्योंकि जारी बात है, जब लोग इकट्ठे हैं, किसने कहाँ मास्क पहना हुआ है, किसी ने नीचे किया हुआ है, किसी ने नहीं पहना हुआ, किसी को परवाह नहीं है, कोई कहता है जी मुझे सांस सही तरह नहीं आ रहा था, उसने बैठ के उतार दिया, बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। तो सबसे आसान इसका हल यही है कि जनाब लोगों को इकट्ठा किया ही ना जाए। लेकिन ऑपोजिशन ने तो मानना नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये समझ रही है कि जनाब हम चूंकि हमारा वो जो मोमेंटम चल रहा था, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की वजह से रुक गया था, हम उस मोमेंटम को किस तरह तोड़ दें, तो हम तो करेंगे। तो चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे मरियम नवाज हों, मौलाना फजल रहमान हो, सबने ही जलसे किए हैं और सब जलसे आगे भी करना चाहते हैं, ये रुकेंगे नहीं। ये अब मेरा इस सिलसिले में दोनों पार्टियों के हवाले से मेरा ये तजिया है कि ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये बीमारी, ये वबा अगर मजीद फैलेगी तो ये दोनों जिम्मेदार होंगे, और उसके बाद आगे चल के अगर ये तादाद बढ़ेगी, लोगों की हलाकतें होंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। पाकिस्तानी अवाम उसी तरह ही रुलती रहेगी, पाकिस्तानी अवाम के साथ यही सब कुछ होता रहेगा। अच्छा, इन लोगों के दिमागों के अंदर ये बात भी है कि जी जो लोग जलसे के अंदर आ गए ये सिर्फ वही उससे इफेक्ट होंगे, वो उससे सिर्फ इफेक्ट नहीं होंगे। आप एक बात जहन में रखिएगा, क्योंकि एक आदमी अगर वहां से एक और वो बीमारी लेके जाएगा तो वो आगे भी फैलाएगा। आप इसका रेशियो जो है वो 1+1 या कम से कम 1+2 का समझना शुरू कर दें इसको। तो अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी उस जगह पे फैलेगी तो ये आगे मजीद उन जलसों से बाहर भी जाएगी, लेकिन यहां पे किसी ने नहीं रुकना। वो आगे ऑपोजिशन को आप कहते हैं तो ये आगे से जवाब देते हैं कि जनाब, ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि जनाब उन्होंने कौन से स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने कौन से मार्केटों को बंद कर दिया, सब सारी जिंदगी उसी तरह ही चल रही है, बीमारी उसी तरह ही फैलती जा रही है, क्या आपको हमारा ही जलसा नजर आता है? बिल्कुल ठीक है, नहीं किया कप्तान ने, तो भाई अगर कम से कम उन्होंने वहां नहीं किया तो आपने कौन सी कमी छोड़ दी? आप भी तो वही जलसे कर रहे हैं, आप भी तो उसी तरह बीमारी को फैला रहे हैं, आप दोनों ही माशाल्लाह इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो। पिस सिर्फ पाकिस्तान की अवाम रही है, उसके लिए सिर्फ उसके नसीब में ये बीमारी ही है जो कि बढ़ती जा रही है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक बात जहन में रखिएगा कि जो मुख्तलिफ ममालिक के जो स्टैट्स सामने आए हैं उसमें कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें पहली वेव तो शायद फिर भी हल्की थी, दूसरी जो है वो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा लोगों के लिए जो है वो जानलेवा साबित हुई, और उसके लिए कुछ नहीं कर सके। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता ये सिलसिला कहीं पाकिस्तान में ना शुरू हो जाए,
क्योंकि इस वक्त जो हम जो पहले पहली वेव के अंदर जो हमने सूरत हाल देखी थी, लोग फिर भी संजीदा थे, लोग डरे हुए थे। अब तो इस तरह लग रहा है उनका डर ही निकल चुका है ना, वो मास्क पहनने के ऊपर जो है वो ज़्यादा इसरार करते हैं ना, वो अपना हैंड सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए कोई कुछ सोचते हैं। पहले एक एक दिन में 10-10 दफ़ा हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए जाते थे, अब उसकी परवाही कोई नहीं है। और आप इसका अंदाज़ा ज़रा किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की फार्मेसी के ऊपर जाके देख लें, उनसे पूछ लें, वो खुद आपको बताएंगे कि जी हमारे जो जो पहले सूरत हाल थी कि मास्क नहीं मिलते थे, आपको सैनिटाइज़र्स नहीं मिलते थे, अब सब कुछ आराम से अवेलेबल है। और अगर ये अवेलेबल है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि लोगों ने इसको सीरियसली लेना छोड़ दिया। खास तौर पे मैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहूंगा, उन्होंने तो पहले भी इसकी परवाह नहीं की। दूसरी बात यह कि ऑपोजिशन से एक और जो एतराज, जब पहली वेव चल रही थी और ये केसेस जो इस वक्त तकरीबन 36,000 के आसपास हैं, तो आप उस वक्त की जाके इनकी ट्वीट्स उठा के देखें। ये एक ट्वीट मैं जो इस वक्त दिखा रहा हूं, ये हिना भट्ट साहिबा की है। जब लॉकडाउन नहीं किया जा रहा था तो उस वक्त ये लोग किस तरह क्रिटिसाइज करते थे कप्तान को कि देखें जी ये क्या कर रहे हैं, देखेंगे लापरवाह इंसान है, ये लोगों की जान ये लोग जो जान के पीछे पड़ गया है, इस शख्स को हुकूमत करनी नहीं आती। इन्होंने हुकूमत को बड़ा आड़े हाथों लिया। भाई अभी तो वही सूरत हाल है, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने ये सब कुछ अपना तब्दील किया? आपने भी तो नहीं किया। तो सूरत हाल ये है कि ये दोनों ही जिम्मेदार हैं और इन दोनों को ही समझ नहीं आ रही कि ये किस हद तक खतरे की तरफ इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, और आगे चल के ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय का हमारे साथ इजहार कीजिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि आपकी सोच क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।